बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जो पंहिंजो टॉपिक ॾाढो दिलचस्प आहे, बहुत दिलचस्प। बॉय आर गर्ल, दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड विथ ह्यूमन फिज़ियोलॉजी और यू मे से ह्यूमन मेडिकल साइंस। यानि बाबो खपे या बाबी खपे, आई मीन बेबी खपे, त हीअ हुन सां रिलेटेड आहे। लेट्स अंडरस्टैंड प्लीज। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो ये चीज़ें हमें समझनी है, स्पर्म एंड एग सेल को। स्पर्म सेल्स आर आइदर एक्स और वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पर्म सेल्स जेकी हुंदा आहिनि, जो होते हैं या तो एक्स होते हैं या तो वाई। स्पर्म की बात कर रहा हूं। अगर एग की बात करें तो एग इज ऑलवेज एक्स, वी नो। समझो था डॉक्टर साहब, एग जिनके असं क्रोमोसोम बचा आयो, एग इज ऑलवेज एक्स, डबल एक्स हों, यानी एक्स सही हों। बट दिस इज द स्पर्म व्हिच हैव बोथ ऑफ द क्रोमोसोम्स, आर इन अदर वर्ड्स ती सको तो स्पर्म सेल्स या तो एक्स हों या वाय हों, ठीक है। मतलब एक्स वाई, स्पर्म सेल में एक्स और वाई बई हों, एग सेल में ओनली एक्स हों, डबल एक्स, यानी सिर्फ एक्स वाई ते आई को, ठीक है। यह शे समझी हो, बल्कि यह तो समझा तो मैं समझता हूँ कि यह आपने छठी क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, इफ एक्स स्पर्म सेल मीट्स द एग, एक्स अगर एक्स की जो है वो मेटिंग होती है, अगर एक्स का मीटअप होता है एक्स स्पर्म का एक्स एग के साथ, तो क्या बनेगा? क्या फीमेल? डेफिनेटली, यू नो। ओके, इफ वाई स्पर्म मीट्स द एक्स, देन मेल। मतलब इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। ओके, नाउ लाइफ स्पान ऑफ द स्पर्म सेल, लाइफ स्पान समझो था जी, बिल्कुल। जिंदगी कितनी होती है, इन्हनि जी उम्र केतिरी हूंदी आहे? द वाई स्पर्म सेल्स मूव फास्ट बट डाई फास्ट। वाय स्पर्म तकड़ा हलंदा आहिनि पर मरंदा बि तकड़ा ई आहिनि। जीअं ॿियनि लफ़्ज़नि में तव्हां सिंधी में चई सघो था त जेको, हा बिल्कुल, हेस्ट इज़ वेस्ट, त हा बिल्कुल, जेको तकड़ कंदो सो तकिड़ो किरंदो। या ॿियो चइबो आहे त जेके रातो राति शोहरत जिनखे मिलंदी आहे उहे पोइ वरी किरंदा बि जल्दी अची फ़र्क़ो कंदा आहिनि। बाय द वे, वाय स्पर्म सेल्स तगड़े हैं, यानी चलने में फास्ट हैं, बट दे डाई फास्ट, यानी लाइफ स्पान है इनकी ज्यादा से ज्यादा 24 या 36 घंटे होती है। यहां पर तो हमने 24 लिखी है, लेकिन कभी लिखा होता है कहीं किसी जगह पर 24 और 36, 24 to 36 आवर्स ओनली। एक्स स्पम मूव स्लोली, आहिस्ता चलते हैं, बट सर्वाइव लॉन्गर। लेकिन हयाती खिज़र आहे इन्हनि जी उमिरि, खिज़र त न चऊं, हयाती ज़िंदगी हिननि जी वॾी आहे, इनकी उमिरि लंबी होती है। ओके, यानी कितनी? अप टू 3 to 4 डेज डिफरेंस आहे न सर, कहां 24 घंटे यानी एक दिन और कहां 4 दिन। सो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, यहां से आपको एक तो आइडिया मिल चुका होगा कि होता क्या है एक्चुअली, के जो है वो ताज पैदा होता है या ताजी पैदा होती है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस। ओके, बिल्कुल। देयरफॉर इफ यू आर हैविंग सेक्स सम डेज बिफोर ओव्यूलेशन, अगर आप सेक्स करते हैं कुछ दिन ओव्यूलेशन से पहले, तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द वाई स्पर्म वुड हैव डाइड। ज्यादातर जो वाई होंगे वो तो मर चुके होंगे, क्योंकि उनकी उम्र कितनी है? 24 घंटे, 24 कलाक सिर्फ। लीविंग मोस्टली एक्स स्पर्म, बच कौन गए? वाई गए, बाकी बच कौन गए? एक्स। अगर एक्स बच गए तो क्या होगा? एक्स जाकर फीमेल के पास तो होता ही एक्स, एक्स जाकर एक्स से मिलेंगे तो पैदा होगी ताजी, नॉट ताज। इज इट ओके? ठीक है,
राणो पैदा न थींदो, हाणे राणी पैदा थींदी। ओके, आगे चलते हैं। नाउ सिंपल वे टू कैलकुलेट योर ओव्यूलेशन पीरियड, एक आसान तरीकेकार है, बराबर माइक न दीजो, समझो। आईएस पे आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ द योर ब्लड, जैसे ही मेंसेस आते हैं यानी पहला दिन, तो आपने उस डे फर्स्ट को क्या करना है, नोट करना है। मसलन डे फर्स्ट है 4 जून। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू सी द ब्लड ऑफ योर पीरियड्स, आपने उसको नोट कर देना है। मसलन 4 जून, ये रेड वाला, दिस रेड इंडिकेट्स डे फर्स्ट। ओके, अब आप क्या करेंगे, कैलेंडर है हमारे पास, अब हम काउंट करेंगे 15 दिन, 15 डेज इंक्लूडिंग द डे फर्स्ट। काउंट करें, काउंट करें कब। ओके, तो डे फर्स्ट था 4, अब यहां से अगर हम 15 दिन काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पर, ऐसा ही होगा। तो 18 को आपने क्या करना है, मार्क करना है। नाउ थर्ड स्टेप क्या है इसमें, आपने इसको मार्क कर दिया, नाउ 18 से 3 दिन पहले उनको मार्क करें, यानी कौन से होंगे, मार्क द 3 डेज बिफोर द 15th डे, यानी 18 तारीख जो है उससे 3 दिन जो पहले वाले हैं उनको मार्क करें। कौन से होंगे फिर, 15, 16 और 17, केड़ा थींदा 15, 16 और 17। एंड आल्सो मार्क 3 डेज आफ्टर 15th डे, यानी आफ्टर 18th, यानी आफ्टर 18th जून, यानी वो कौन से होंगे, 19, 20 और 21, 19वीं तारीख, 20वीं तारीख और 21वीं तारीख। समझ रहे बात को, यानी आपने क्या किया, पहले तो 15 दिन 18, मसलन इसको हम यूं करते हैं, सिंपल करते हैं, पहले आपने 18 तारीख को नोट किया, बाद में आपने 18 तारीख से 3 दिन पहले वाले उनको नोट किया, और 18 तारीख से 3 दिन जो बाद वाले हैं आपने उनको भी नोट किया। अभी आप मुझे बताएं, प्लीज लेट मी नो, मुझे बुधायो, नाउ यू हैव हाउ मेनी डेज विच यू हैव मार्क्ड, आपने कितने दिन मार्क किए हैं टोटल, नो इंक्लूडिंग द डे 15, यानी 18 जो तारीख है उसके साथ कितने डे हुए, देखें कैलेंडर, देखें कितने हुए, 7 डेज, कितने 7 डेज। नाउ दिस 7 डेज आर योर फर्टाइल पीरियड, अब ये जो 7 दिन है ना, ये 7 दिन क्या है, आपका फर्टाइल पीरियड है, ये 7 दिन फर्टाइल है। What does it mean? इसका क्या मतलब है, यानी if you are having sex on any of these days, इन 7 दिनों में किसी भी एक दिन पर अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, there are 98% chances of getting pregnant, तो 98% जेके हैं वो प्रेगनेंसी का चांसेस हैं, 98% जो है वो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। इज इट ओके, समझ रहे हैं बात को, यानी ये 7 दिन पूरे माह में, ओनली 7 डेज आर द फर्टाइल डेज। इज इट क्लियर, यहां तक समझ गए, आगे चलते हैं। आगे बताऊं तो, अच्छा प्लीज, नाउ दीज आर द स्टेप्स टू रिमेंबर, ये स्टेप्स हैं रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, ये आप देख लेना खुद, पॉइंट्स जो ऐड करवा लाइ तो तुम्हारे जी नोट्स ठाण में हेल्प करे, ठीक है, ये वैसे चीज समझा चुका हूं, वही चीज है, ठीक है। नाउ अगर ताज साहब चाहते हैं कि मुझे रानी खपे, राणो न खपे, मुझे रानी चाहिए फॉर अ बेबी गर्ल, तो क्या करना होगा, इफ यू वांट अ बेबी गर्ल देन हैव सेक्स बिटवीन 3 डेज बिफोर ओव्यूलेशन, यानी वो कौन से होंगे, 3 दिन ओव्यूलेशन से पहले, एक्सीलेंट, एक्सलेंट, वेरी गुड, एग्जैक्टली,
यानी वो होंगे 15, 16 और 17। ओव्यूलेशन कब हुई थी? डे 18, मतलब जी जी बिल्कुल, ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले, ओव्यूलेशन हो रही है 18th जो है जून पर, 4 तारीख जो थी वो थी डे ऑफ, वो था डे ऑफ ब्लड, डे ऑफ फर्स्ट ब्लड, डे ऑफ मेंसेस, ठीक है, जब पीरियड स्टार्ट हुए, इज इट ओके? तो 15, 16 और 17, इफ यू आर हैविंग सेक्स ऑन दीज डेज यानी बिफोर ओव्यूलेशन तो क्या होगा? हमें पता है कि फीमेल स्पर्म जो होते हैं दे मूव स्लोली, फीमेल स्पर्म यानी कौन सा, एक्स और वाई, एक्स वो स्लोली मूव करता है बट कैन स्टे इनसाइड वुमेन बॉडी फॉर डेज विदाउट डाइंग ऑफ, समझ रहे हैं बात को, लेकिन वो बहुत सारे दिनों तक रहेगा, वो मरेगा नहीं, वहां पर रहेगा। तो अगर रानी चाहिए, अगर रानी खपे, तो ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले आप सेक्स करेंगे तो स्पर्म रहेंगे, लेकिन याद रहे वाई नहीं रहेगा, एक्स रहेगा, और एक्स रहेगा तो फीमेल के पास तो होता ही एक्स है, एग में तो सेल होता ही एक्स है, तो एक्स एक्स के साथ मिलेगा तो कौन, क्या बनेगा, रानी चांदी, रानी बनेगी, इज इट ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन है, अब ताज बोलेगा कि सर चलो मुझे तो रानी चाहिए लेकिन इकरार के राणो कपे, इसे राना चाहिए तो इसे क्या करना होगा? तो इससे करना होगा ये काम कि ओव्यूलेशन से 3 दिन बाद, यानी कौन से, 19, 20, 21 इंक्लूडिंग द डे 15th, यानी इंक्लूडिंग द 18th, यानी कितने हो गए टोटल, 4। तो इन समेत 18, 19, 20 एंड 21, इन समेत अगर इन दिनों में किसी भी दिन पर सेक्स करेंगे तो पैदा होगा मिस्टर राणो, इज इट ओके? अच्छा इससे होगा क्या, वही फिजियोलॉजी वही है, क्योंकि हमें पता है मेल स्पर्म जो होते हैं दे स्विम वेरी फास्ट, मेल स्पर्म स्विम वेरी फास्ट, ओके। अब 18th डे पर क्या हो रही है, ओव्यूलेशन हो रही है, यानी अंडा मौजूद है, अगर उसी टाइम पर सेक्स हुआ यानी स्पर्म गया तो यानी वाई मौजूद है, एक्स भी है लेकिन वाई दोनों है, तो क्या करेगा, वाई जो है वो जल्दी भागेगा, एक्स से पहले जाकर मीटअप करेगा किसके साथ, किसके साथ, एक्स के साथ, और वाई जब एक्स के साथ मिलेगा तो बनेगा कौन, राणो, बच्चा बनेगा, बाबा बनेगा, समझ रहे बात को, पुटो समझो था, यानी राणो टंदो, क्यों है दोनों मौजूद उसी टाइम पर, लेकिन बिकॉज वी नो वाई मूव्स फास्ट। अच्छा एक और चीज है, हमें पता है कि वाई जो है वो उसकी जो लाइफ है वो 24 से 36 घंटे तो होती है ना, यानी अगर 19, 20 और 21 पर भी सेक्स करेंगे तो फिर भी चांसेस होंगे किसके, मेल के, समझ रहे हैं बात को, लेकिन ज्यादातर चांसेस रहेंगे 18, 19, 20 तक, 21 पर भी रहेंगे लेकिन कम, इज इट ओके? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म के राणो खपे या राणी खपे, दिस इज ऑल द साइंस। अब करना क्या है, अब करना यह है कि अगर हमने लेट की, यानी अगर 21 टोटल तो ये 7 डेज हैं, अगर थोड़ी लेट की तो क्या होगा, वाई मर जाएंगे और एक्स बच जाएंगे, और एक्स जाकर एक्स से मिलेंगे तो फिर फीमेल पैदा होगी। अगेन मस्ट रिमेंबर ओनली 7 डेज आर फर्टाइल, यानी ये 7 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के 98% चांसेस होते हैं। और आपको बताता चलूं कि ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं अभी वो बर्थ कंट्रोल इस तरह भी कर रहे हैं कि यानी कैलेंडर उठाते हैं, डेज नोट करते हैं, जब देखते हैं कि कंसेप्शन नहीं हो रही इन दिनों में, ये हमारे फर्टाइल डेज नहीं है तो सेक्स करते हैं, और जो फर्टाइल डेज हैं दे आर नॉट गेटिंग अ टेस्ट, समझ रहे हैं बात को, उससे क्या होगा,
there is no need to use any contraceptive drugs or hormonal therapy. मतलब आप कह सकते हैं कि this is the biological control, ठीक है, and the control in your own hands, okay? Yes, accidentally हो सकता है, बिल्कुल. अब क्या पता कि आप कर दें और जो है एक की life span वो अभी जो है वो एक है, आप को जो है वो कैलेंडर मार्क करने से कोई मिस्टेक हो जाती है तो दैट इज पॉसिबल. अच्छा ही तव्हां हिकिड़ी मूवी बि ॾिठी हूंदी आहे, दैट वॉज ऑफ को फिल्मी एक्टर हुयो हुनजी आई हुई, त माई हुनजे पोयां जेका आहे सभु उहा चवंदी आहे त नाउ दीज आर माई ओवल्यूशन डेज, हस्बैंड खे काॾे वञणु न आहे ॾींदी, आई हैव टू गेट प्रेगनेंट बिकॉज दीज आर माई ओवल्यूशन डेज. आई होप के तव्हां ॾिठी हूंदी, त उनमें बि इट मीन्स ओवल्यूशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. और यही वजह है कि ज़्यादातर प्रेगनेंसीज क्यों हो नहीं रही, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अंडे की अंडा जो है वो एक बन रहा है एक माह में और फर्टाइल डेज ओनली 7 डेज हैं, तो अपॉर्चुनिटीज कम है. सो दिस इज द केस. ओके आगे चलते हैं. अच्छा मेजर साइंस कौन सी हैं ओव्यूलेशन की, निशानियों की अलामतों केड़ी हैं? अगर मसलन आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते तो आप क्या देखेंगे, दीज आर द साइंस. आफ्टर 2 वीक्स यू मे फील द फॉलोइंग, जस्ट रिलैक्स एंड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ हैविंग द मेंस्ट्रुअल ब्लड, हेडेक, सर दर्द होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर. इकरार के नतीजे, मतलब वो जो मिसेज इकरार होंगी उनको होगा, फीमेल को होगा, तवा के मथे उसूल नतीजो ज़ाहिरा ओव्यूलेशन उसमें होगी, ठीक है, ओव्यूलेशन उनमें थींदी. ओके हाई बॉडी टेम्परेचर, डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस समझो ना, माना सुस्ती, थकावट, निंड्री, breast tenderness, size increases just like when you are menstruating, increased sexual drive, samajh rahe, sexual drive badh jayegi if ovulation takes place, light cramps or pain on one side of the pelvis, abdominal bloating hogi, abdominal bloating aur sense of smell, taste or vien wo badh jayega, अखियूं तेज़ थी वेंदियूं, ज़ाइका वधी वेंदा, शयूं माना सम्झो था न, हर शइ में माण्हू जेको आहे उहो तेज़ थी वेंदो, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट ऑफ वीन, वो बि एज़ वेल एज़ यू विल ईट मोर मोर एंड मोर. हाणे हिते मुंहिंजो यू मां मक़सदु आहे फीमेल. ओके वजाइनल म्यूकस गेट स्लिपरी, इफ यू नोटिस पुट इट बिटवीन योर फिंगर्स, इट स्ट्रेचिस लाइक थिक कैटर, a snail mucus, colorless, colorless like egg white. But again, this is the physiology, this is the normal physiology of your body. It depends on the female, human female, ki how she is understanding her body. So remember, ki jetro asan panji body ke paan samjhi sakun tha, otro doctor bhi natho samjhi sake. And try to understand your physiology. Panji physiology ke taan koshish ki ho samjhan di, ta वट फूड वुच फूड मसलन हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां हिन खां हटी करे कि कहिड़ा खाधा आहिनि जेके तव्हां खाओ था त तव्हांखे उहे फ़ाइदो ॾियनि था, कहिड़ा खाधा आहिनि जेके तव्हां खाओ था त माना अजीबो ग़रीब कैफ़ियत थिए थी. ऐं इहो कॾहिं थींदो जेॾी महिल असां थोरो पंहिंजी फिज़ियोलॉजी खे सम्झंदासीं, रुगो बसि हाणे खणु हूंदो त पोइ ठीकु आहे. सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.